बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ग्रेप्स का जूस बनाया है, अंगूर का। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलें आपको भी बता देंगे हमने कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वाले फैन भाइयों को आयशा नूर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंगूर का जूस बनाएंगे ग्रेप्स का। तो उसके लिए ये अंगूर ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह से खुले पानी में डालें और अच्छी तरह से धो लें, और इस तरह के जो होते हैं बीच में अंगूर वो आपने नहीं डालने इस तरह के। तो ये धो के इसको मैं ये तोड़ के तो रख लेती हूँ, तो फिर हम जूस बनाना शुरू करते हैं। ये अंगूर मैंने ये देखें तोड़ लिए हैं इस तरह से। इस तरह से ये डंडियाँ भी इसकी निकाल लेनी है। और ये बहुत मीठे अंगूर है तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आपके पास अगर खट्टे हैं तो उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, इसमें मैं नहीं डालूंगी। ये बहुत मीठे हैं तो मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी पसंद, हमें इतनी पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, तो हम इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मैंने ले लिए, इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। हाफ ग्लास इसमें पानी डाल दूँगी मैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर लिया, इसको छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई अगर इसमें वो उसका छिलका वगैरह है तो निकल जाए। अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना इस तरह से चम्मच से। देखिए ये मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया और ये इसमें से निकला है। तो ये हम साइड पे कर देंगे और इसमें डालेंगे काला नमक, बस दो चुटकी डालेंगे, इतना सा ये डाल देंगे। और इसमें लेमन सोडा डालेंगे। अब आप कोई सा भी गिलास ले लें, उसमें डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये देखें ये हमारा ग्रेप्स का जूस बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है, बहुत मीठे थे, तो आपने अगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं। काला नमक डाला है और आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने इसको रेडी कर लिया, इसमें सोडा डाला है, तो ये बहुत ही मज़े का बन गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।